بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Dear students, السلام عليكم. Student, this is your chemistry period. Take out chemistry books of grade 10. Students, take out page 43. Our topic is uses of some salts. In our previous lecture, we discussed about salts, types of salts, that we have two types of salts, soluble and insoluble salt. Then we discussed the preparation methods of soluble and insoluble salt. And at last, we discussed types of salt like neutral salt, acidic salt and basic salt. Today we start uses of some salts. Then we use salt in our daily life. Students, take out page 44. So first one, salt is sodium chloride. Sodium chloride is used for seasoning and preserving fruits item. In industry, it is used as a basic raw material for the extraction of sodium metal. Preparation of caustic soda, washing soda. One of the major application of sodium chloride is the aching of roadways in sub-freezing weather. Means sodium chloride को हम कहाँ कहाँ पे use कर सकते हैं? Preservation के लिए, raw material के लिए, जब हम sodium metal को extract करते हैं industry में, तो as a raw material हमारे पास क्या use होता है? Sodium chloride. Raw material is the necessary material which is used for the extraction of sodium metal. It is also used in the preparation of caustic soda and washing soda. And one of the major application of sodium chloride, it is used as a de-icking of roadways. Mean हमारे पास वो इलाके, वो एरिया जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड रोड्स के साथ साथ जो है तो रोड्स पे डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है. द अदर एग्जाम्पल ऑफ साल्ट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नॉन एज सोडा एश. इसको हम सोडा एश भी कह सकते हैं. ये साल्ट जो है इट इज यूज इन लॉन्ड्रीज एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड वाटर सॉफ्टनर. इसको हम साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं. इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड वाटर सॉफ्टनर. जो हार्ड वाटर होते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं. इन दिस इन चैप्टर नंबर 7 वी डिस्कस द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. इट इज आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग. इट इज आल्सो यूज्ड इन पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड लेदर इंडस्ट्रीज. द थर्ड वन एग्जाम्पल इज सोडियम सल्फेट. Sodium sulfate is used in the manufacturing of detergent and glass. सही है. हम इसको किसके लिए use करते हैं? For the manufacturing of paper, detergents and glass. Fourth one example is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is also known as baking soda. It is used in the preparation of cakes and other confectionaries. It is also used as a medicine, as an antacid, and it is also used in toothpaste. The fifth one example is potassium nitrate. Potassium nitrate is used as a fertilizer. What is fertilizer? Chemical which is used for growing crops. जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ऐसे केमिकल जो क्रॉप की फर्टिलिटी को इंक्रीज करे, तो वो हमारे पास फर्टिलाइजर कहलाते हैं. एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास. वन ऑफ टाइप ऑफ साल्ट इज पोटैश अलम और अलम. पोटैश अलम इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर टू रिमूव द सस्पेंडेड एम्प्योरिटी. मीन हमारे पास जो पानी में सस्पेंडेड एम्प्योरिटीज होती हैं,
तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम पोटेश अलम डालते हैं। पोटेश अलम के साथ वो सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो अटैच होके बड़े मॉलिक्यूल बना लेती हैं, जिसको हम फिर फर्टिलाइजर, जिसको हम फिर फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो है उससे रिमूव कर लेते हैं। एंड एज अ ब्लड कोगुलेंट, ब्लड कोगुलेंट मीन फॉर द स्टॉप, जमीन के जब हमारे ब्लड स्टार्ट हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए हम पोटेश अलम को यूज़ करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, इट इज़ कॉमनली नोन एज जिप्सम, इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इन सीमेंट इंडस्ट्री। मीन हम इसको किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इन सीमेंट इंडस्ट्री। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट एंड इन सिरेमिक इंडस्ट्रीज। मैग्नीशियम सल्फेट और एप्सम, इसको हम मादनी साल्ट भी, मादनी नमक भी कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज एज अ एंटी एसिड एंड लैक्सेटिव, दिस साल्ट इज आल्सो यूज इन डाई इंडस्ट्री। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज यूज फॉर कॉपर प्लेटिंग इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस? प्रोसेस इन विच वी वन मेटल इज कवर विद द अदर मेटल, मीन कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल से कवर करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं। दिस साल्ट इज आल्सो यूज टू किल एल्जी इन वाटर रिजर्वायर, जहाँ पे पानी जमा हो के एल्जी होते हैं उसमें, तो उसको किल करने के लिए भी हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन एग्रीकल्चरल स्प्रे। स्टूडेंट, Today we discussed uses of salts. First one, salt is sodium chloride. Sodium chloride is used in as a raw material for the manufacturing of sodium metal, preparation of caustic soda and washing soda, and it is also used as a de-egging of road ways. Sodium carbonate is also known as soda ash. This salt is used as a cleansing agent and as a water softener. It is also used as a raw material for glass manufacturing. It is used in the paper, petroleum refining and leather industry. Sodium sulfate, it is used in the manufacturing of paper, detergent and glass. Sodium bicarbonate, this salt is used in the preparation of cakes and other confectionaries. It is also used as a medicine, antacid and used in toothpaste. This salt is also known as baking soda. Potassium nitrate, it is used as a fertilizer and for the manufacturing of flint glass. Potash alum is used in the purification of water to remove the suspended impurities and as a blood coagulant. Calcium sulfate, it is commonly known as gypsum. Copper, calcium sulfate is commonly known as gypsum. It is used as a fertilizer in the preparation of plaster of Paris and cement industry. Calcium carbonate is used in the preparation of cement and in ceramic industry. Magnesium sulfate is also known as Epsom. It is used as an antacid and laxative. This salt is also used in dye industry. Copper sulfate is used in copper plating in electroplating process. What is electroplating process? The process in which we cover one metal over the other metal with the help of electricity. This salt is also used to kill algae in water reservoir and it is also used in agricultural spray. Students, I am repeating again salts. Salts is a compound which is formed due to the neutralization reaction of an acid and a base. Example, sodium chloride, potassium sulfate,
Ferric sulfate are example of sand. We have two types of sand. One is soluble and other one is insoluble sand. We also discussed the other types of sand: acidic sand, basic sand and neutral salts. Then we discussed the uses of sand, that sand is used in different places, like sodium chloride is used as a raw material for the manufacturing of washing soda, and baking soda is also used in cakes industries and paper industries. Sodium sulfate is used in the manufacturing of paper, detergent and glass. Calcium carbonate is used in the preparation of cement. Magnesium sulfate is used as an antacid and it is also used in dye industries. Copper sulfate is used for copper of plating in electroplating process and it is also used in agricultural spray. Okay student, I hope you understand salts and their uses. Inshallah, next lecture mein mulaqat hogi. Take care of yourself. Allah Hafiz. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.